पहली बार जिंदगी में इतना दूर हम बाइक से जा रहे हैं, वो भी लंबा सफर है, और किसी से मिलने जा रहे हैं, वो सब पहुंचने के। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? मैं दुआ करूंगा आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं लंबी सफर पे, और अभी तक अपने घर पे भी नहीं गए हैं, किसी को बताए भी नहीं है, कहीं आ गए हैं कि जा रहे हैं। तो भैया, हम आप तो गए हैं, बट जहाँ पे जा रहे हैं वो पहुँचने के बाद बताएंगे। बस इतना बता सकते हैं, आजमगढ़ से जा रहे हैं झारखंड, वो भी आज बाइक से। इतना दूर जाना है बाइक से, तो हम निकल चुके हैं रोड पे, और अभी हमारे जीजा जी भी साथ में जाने वाले हैं, तो वो आ ही रहे हैं, आ रहे हैं। और लंबी सफ़र हम लोग बाइक से, करीबन हम लोगों को 469 किलोमीटर दूर जाना है, 469 किलोमीटर बाइक से जाना है। पहली बार जिंदगी में इतना दूर हम बाइक से जा रहे हैं, वो भी लंबा सफ़र है, और किसी से मिलने जा रहे हैं, वो सब पहुंचने के बाद हम बताएंगे। अभी जीजा आ रहे हैं, और अभी हम रास्ते में पैदल पैदल जा रहे थे, धूप थी थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पे थोड़ा एक पेड़ था, तो पेड़ के नीचे हम आराम कर रहे हैं, छांव ले रहे हैं। तो देखते हैं अभी कोई बाइक वगैरह वाले भैया आएंगे तो उनसे लिफ्ट लेंगे, फिर आगे मार्केट तक पहुँचेंगे, वहाँ पर जीजा आएंगे, फिर उनके साथ में निकलेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं, निकलते हैं, फिर रास्ते में आज वीडियो दिखाएंगे और अच्छे खासे लोकेशन भी आप लोगों को देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो भैया, आप लोग भी देख सकते हैं, मास्क लगा लिए, धूप बहुत ज़्यादा है, और धूप बहुत ही खतरनाक धूप है, इतना ज़्यादा है, पूरा पसीने पसीने हो जा रहे हैं। तो धूप में अभी चल रहे हैं, अभी कोई दिखे नहीं कोई भैया लोग, क्योंकि ये रास्ते पे ज़्यादा बाइक वगैरह वाले भी नहीं आते ना, ये ऑटो वगैरह भी नहीं चलता, नहीं तो बैठते और चले जाते। चलिए फटाफट, अभी हम पैदल ही मुझे लगता है जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं, फिर आगे वीडियो दिखाते हैं उनको आने के बाद। तो गाइस, अभी जीजा आ चुके हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं डायरेक्टली झारखंड के लिए। देख सकते हैं इधर खड़े हैं पूरा एकदम मस्त लोग उनके। तो चलिए फटाफट निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 10 घंटे का रास्ता हमारा है बाइक चला के जाना है। और हमारी जो बाइक है, एक डीलक्स बाइक है, और हेलमेट वगैरह हम लोग ले चुके हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट, फिर आगे जो लोग आप लोगों को रास्ते में दिखाते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग आजमगढ़ से चल के आ चुके हैं बनारस। बनारस आने के बाद हमें एक भैया ने बोल दिए कि भैया तुम लोग कहाँ बाइक से जा रहे हो, बहुत दूर है, और बिहार उहार के रास्ते से होके जाओगे, वहाँ पे टापू एरिया वगैरह आता है तो थोड़ा दिक्कत होती है, आप लोग एक काम करो ट्रेन से चले जाओ। तो भैया हमारे तो उन्होंने पहले ही फाड़ दिए, और अंधेरा हो रहा था पूरा, 6 बज गया। तो हम लोग सोच रहे हैं अभी यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, डायरेक्ट मुकेश भाई के घर पे जाएंगे हम, वो नहीं भी मिलेंगे तो भी उनसे कांटेक्ट वगैरह करेंगे, कोशिश करेंगे, और ऐसा तो है नहीं कि इतना मेहनत करके हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वो मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो देखते हैं, चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो भैया हम लोग यहाँ से अब सोच रहे हैं कि रिटर्न होंगे आजमगढ़ के लिए, और घर पर जाके रुकेंगे जीजा जी के घर पर, और वहाँ पर सुबह तो भोर में निकलेंगे हम लोग 3 बजे गोरखपुर के लिए। जब गोरखपुर के निकलेंगे तो आगे की वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, बट यहाँ से जाते जाते आगे तक घर के लिए वीडियो तक वहाँ तक दिखाएंगे, वहाँ तक की वीडियो। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, और वैसे भी 4 घंटे से बाइक चला के आए हैं, और आप लोग देख सकते हैं कितना दूर आए भैया, 120 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं बाइक को भी, और हमारी गाड़ी क्या है, कौन सी गाड़ी है, HF डीलक्स, हमारी गाड़ी है HF डीलक्स। अब समझ सकते हैं आप लोग कि हमारी HF डीलक्स जो गाड़ी है कितना चली है बेचारी, कितना धक्का सह के आई है। तो हम लोग यहाँ से अब रिटर्न जा रहे हैं घर के लिए। तो बस आप लोग से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ा दुआ करते रहो कि MS गरीब भाई के घर पे जाएं और बात हो जाए उनसे, मेरी हेल्प हो जाए बस। तो चलिए चलते हैं यहाँ से घर के लिए, अंधेरा हो रहा है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं सभी, हम बनारस से चल के आ चुके हैं घर पे, बट हमारी मोबाइल हो गई थी स्विच ऑफ रास्ते में, इसलिए अब भी हम लोग घर पे आए हैं।
और मोबाइल वगैरह चार्ज में लगा रहे हैं। चार्ज हमारे मोबाइल अभी 3% हुई है और चार्जिंग में लगा के ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज तो नहीं जा पाए और कल सुबह हम लोग निकलेंगे 3 बजे भोर में, फिर जाएंगे। तो कल हम अलग जगह पर जा रहे हैं, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं, बट अलग जगह पर जा रहे हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो, आज की वीडियो हम यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिससे मिलने जा रहे थे उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। एम एस गरीब गेमिंग भाई से मिलने जा रहे थे, मतलब मुकेश साहनी भाई से मिलने जा रहे थे। तो उनके थ्रू अभी कल 2 जन से मिल लेंगे। अभी तो सिर्फ उन्हीं से मिलना था, बट अभी कल जहाँ जाएंगे वहाँ पे 2 जन से मिलेंगे। तो चलिए आज की ब्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त, क्योंकि आज की रात के बज चुके हैं 12। तो भैया कल मिलते हैं कल के ब्लॉग में। चलिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो भैया लाइक कर दो, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं भैया आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।